इसमें जो हम इसमें के जो टाइप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक तो इसमें मादा जो था कोई भी चीज, यानी कि कपड़ा, तांबा, आटा, पानी, सोना, ये धातु से बना हुआ, या फिर जिनमें गिनते हैं मेजरमेंट। और इसमें जमा का क्या था? समरी। इसमें जमा का क्या था? अंबार। अच्छा एक जैसे बात, सात जो बोलते हैं। इसमें जर्फ क्या था? इसमें अच्छा घर, मैदान, झरना, चरागाह, ये मानी जिसमें आते हैं, जैसे कि मिलकर, स्थान, कब्रस्तान वगैरह, ऐसे फारसी अलामत लगाने कर बनने वाले भी वर्ड होते हैं। अब इसमें आला देखते हैं हम, चौथा। तो इसमें आला मतलब क्या है कि इसमें आला वो आला या औजार के मानों से आया हुआ है, जैसे कि चाकू से, तलवार से, हथौड़े से, दरांती से। बाज इसमें आला फेल से बनाए जाते हैं, मतलब कामों से। मिसाल के तौर पर बेलना, तो बेलने से क्या बन गई? बेलन हो गई। बेलने से बेलन, झूलने से क्या हो गया? झूला। और ढोकना या इस तरह से जो भी हो गया, तो उससे ढोकनी ऐसा हो गया। झाड़ने से झाड़ू बन गई। छानने से क्या बनी? छलनी। हंसने से फांसी। लटकने से लटकन। कतरने से कतुरनी, इस तरह से, इस तरह। फूकने से फूकनी बनी। तो अब ये हो गया कि कुछ चीजें बनती है फेलों से भी, इसमें बन गया नाम। तो इसमें आला कह दिया गया उसको। बाज इसमें से भी इसमें आला बनते हैं नाम से नाम, जैसे कि हाथ से बन गया हथौड़ा। हाथ है, हथौड़ा बन गया। दांत से क्या हो गया? दतुन, जैसे कि दतुन मंजन वगैरह ऐसे। अच्छा और लगाने वाले में मस्नू जो दतुन रहता है वो भी। फिर नाखून से नहरना या नहरने, नाखून से ये नेल कटर वगैरह जैसा होता है उस तरह, नहरना नहरने, इस तरह से। दो इसमें बलकर मिस, जो दो इसमें रहेंगे वो मिलकर जब बनते, जैसे कि दस्त पना, तो दस्त अलग है और पना अलग है। मनाल जो है तो उसमें मुंह और नाल मिलकर मनाल हुआ है। ऐसे दो इसमें बनकर भी एक नाम बनता है। फारसी इसमें के आगे बास अलामत है, ये अल्फाज बढ़ाने से इसमें आला बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे कि आ के बढ़ाने से हो गया दस्त से दस्ता, चश्मे से चश्मा, आना से अंगश्त से अंगिश्ताना, दस्त से दस्ताना, गिर से कफगीर, आतिशगीर, राहगीर, कश से बाधा कश, और दूध कश, मेहनत कश, जफा कश, इस तरह से। उसी तरह से तराश से कलम तराश, दान से चूहे दान, कलम दान, गुलदान, उगल दान। अरबी के इस्माए आला जो है, अस्मा जो है, इस्माए आला, उसमें क्या है कि उसमें उर्दू में राइज है, जैसे कि मुखराज, मजगल, मनखार, मिसवाक, मीजान, मस्तर, मिंबर वगैरह। इसमें कैफियत की बात करें तो वो इसमें होता है जिसमें कोई खास हालत या कैफियत मालूम है, ना मिस की जा सकती है, ना इनका जायका लिया जा सकता है, ना तो उसको छोड़ सकते हैं ना जायका ले सकते हैं, अच्छा और आंखों से ही उसको देख सकते हैं बस। ऐसे खसूसियत की हालत या कैफियत को इसमें कैफियत कहते हैं, उन्हें चीजों में दिखाया जा नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर खूबसूरती, तो खूबसूरती प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कह सकते आज आई नहीं, ये उसको देखा गया। फिर उसी तरह से क्या है कि इंसानियत है, कि इंसानियत अभी जिंदा है, तो ऐसा नहीं है कि इंसानियत कहाँ पर है, वो दिख नहीं रही। फख्र की बात करें तो फख्र महसूस हो रहा है, तो फख्र कैसे महसूस हो रहा है ये भी नहीं दिख रहा। सख्ती, रोशनी, सेहत, जलन, ये सब महसूस कर सकते हैं इसकी इसको मतलब सिर्फ समझ में आती है, महसूस, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि मतलब उसको लाकर खड़ा कर दिया जाए, कि वो नाम जैसा जो सुना है इंसानियत, तो कोई नाम पर पर्सन या कोई चीज दिखाई जाए। इसमें कैफियत दो चीजों से जाहिर करती है। इसमें कैफियत अव्वल क्या है? हालत, जैसे कि सेहत, नींद, रफ्तार, सच और झूठ। इसमें कैफियत जैसे कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये दो कैफियतें होती है। दूसरी क्या होती है? वस्फी कैफियत, मिसाल के तौर पर दर्द, खुशी, गम। तो दूसरी कैफियत क्या हो गई? दर्द, खुशी, गम, वस्फी। और अव्वल हालत जैसे कि सेहत, नींद, रफ्तार, सच, झूठ। कैफियत की कैफियत कैसी है? कि वो झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, वो सेहतमंद है, वो नींद में है, उसे दर्द है, उसे खुशी है, उसे गमी है। तो ये चीज भी आती है। अस्माए कैफियत, ये इसमें देखिए तो अस्मा मतलब उसकी जमा। अस्माए कैफियत मतलब बाज अस्माए कैफियत फेल से बनते हैं, मिसाल के तौर पर चाल चलन, घबराहट, लेन देन। तो अस्माए कैफियत फेल से बनते हैं, जैसे चाल चलने से, घबराहट होने से, लेन देन। बाज सिफत से बनते, जैसे कि नरमी, खुशी, खटाई, दीवानापन। बाज इसमें से बनते, जैसे कि मसलन दोस्त से दोस्ती, लड़के से लड़कपन। अक्सर अरबी, हिंदी, फारसी के अल्फाज अस्माए कैफियत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज की तकरार या दो लफ्जों के मिलने से, जैसे
जैसे बक बक छानबीन, जान पहचान, खुशबू वगैरह। इसमें खास की अगर बात करें तो किसी इसमें से किसी खास शख्स, खास जानदार या खास चीज या खास जगह के नाम का इजहार होता है, तो ऐसे इसमें क्या कहते हैं? इसमें खास वाहिद होता है अकेला। इसमें खास खसूसी तौर पर रखे गए नाम को कहते हैं, जैसे कि गोदावरी, औरंगाबाद, ताजमहल, सूरज, चांद, अलाउद्दीन, कोलकाता, गंगा। तो ये क्या हो जाता है? स्पेसिफिक खास होता है ये। अशखास के इसमें खास भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कि खिताब, वो नाम जो बादशाह या सरकार की जानिब से एजाजी तौर पर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर निजामुल मलिक, इमादुल मलिक, सिराजुद्दौला, नवाबुल बहार, खान साहब वगैरह, ये खिताब हो गए। लकब एक वस्फी नाम है जो किसी खसूसियत या वस्फ की वजह से पड़ गया हो, जैसे कि हजरत मूसा का लकब कलीमुल्ला पड़ा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब खलीलुल्ला पड़े, इस तरह। तो ये लकब हो गया। उर्फ मतलब होता है जो जाना जाता है, वो नाम जो मोहब्बत या हकारत की नजर से पड़ जाता है, जैसे कि उसका नाम का इख्तिसार लोगों की जुबान जद हो जाता है, जैसे कि कुल कल्लू, काले से कल्लू, तो हाँ कलीन से भी हो सकता है। उसी तरह से पप्पू, पप्पू हो गया। उसके बाद में बड़का, लल्लो, इस तरह से। इस तखल्लुस मतलब एक मुख्तसर नाम जो शायर नजम में असली नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मौलाना अल्ताफ हुसैन जो है, तो उनका मौलाना अल्ताफ हुसैन जो है तो हाल ही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हाल ही तखल्लुस। तब नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान, और नाम तखल्लुस क्या मिला? गालिब। इस तरह असल नाम के बजाय जो इस्तेमाल होते हैं तो तखल्लुस। ममालिक, दरिया और पहाड़ों, जोग्राफी, इस्मा और उलूम फ़नून और अमराज वगैरह के सब नाम इसमें खास होते हैं, ये याद रख लेना। उसके बाद आप जुमले में इस्म कैसे पहचाने ये देखेंगे। तो इसमें जुमलों में इस्म कैसे पहचाने तो वो देखते हैं। जुमले में फाइल आमतौर पर इस्म होता है। गोदावरी महाराष्ट्र में सबसे लंबा दरिया है जैसे कि, और पहाड़ ऊंचा है, गरीबी तकलीफ दह, बहादुरों को फख्र होता है। तो इसमें क्या फाइल जिस पर काम हो रहा है या जिसकी बात हो रही है, तो ये इस्म होता है। इसमें फाइल के आम तौर पर इस्म होता है। हुरूफ इजाफत का काकी के पहले और बाद के दोनों अल्फाज इस्म होते हैं। हुरूफ इजाफत जो काकी के है उसके पहले के, तो इनको क्या कहेंगे? हुरूफ इजाफत काकी के पहले और बाद के दोनों अल्फाज इस्म होते हैं। जैसे कि आजकल मशीनों का इस्तेमाल, तो मशीनों का इस्तेमाल, नदीम की किताब, आगरा का बेटा, ये सब हो गया। तो इसमें दोनों भी जो है तो इस्म हो जाते हैं। जुमले में मफूल इस्म होता है, मफूल इस्म होता है। जैसे दादी ने क्या सुनाई तो कहानी, बिल्ली ने चूहा पकड़ा, अब्बा ने सुरैया को इनाम दिया, सुरैया को इनाम दिया। जिन में अल्फाज में जैसे होते हैं जुमले, उनके लफ्ज के बाद हुरूफ जार आता है, यानी कि हुरूफ रब्त कंजंक्शन वे में, तो वो इसमें इस्म होता है। जैसे कि परिंदा कहाँ पर बैठा? तो दरख्त पर। इख्तदार के आगे सयानापन नहीं चलता, कि जिस जुमले में लफ्ज के बाद अगर हुरूफ जार आता है, मतलब दरख्त पर, इख्तदार के, घर के अंदर, ऐसा। और अलामत फाइलिया मफूली से कबल का लफ्ज इस्म होता है, अलामत फाइलिया मफूली से कब पहले का, जैसे कि राशिद ने कुत्ते को हाँका, तो कुत्ता जो है तो यहाँ पर फाइली है, मफूल जो कर रहा है, तो राशिद ने कुत्ते को हाँका। नाना को सलाम करो, तो सलाम ये इसमें हो गया, लेकिन इसको करो तो नाना। जुमले में जमीर के बाद अगर इसम की मिसाल कैसे कि मेरा कलम तेरी किताब, जमीर यानी कि मेरा तेरा उसकी, उसके बाद जो आ रहे तो इसमें उसकी टोपी। लाजे में इसम की बात करते तैदाद वो हालत की, तो इसमें आम एक या एक से ज्यादा तैदाद जाहिर करता है, उसे तैदाद कहते हैं। तैदाद की किस्में वाहिद और जमा। वाहिद में से कि किताब फूल, जमा में है किताब, किताबें फूल। इसमें की जमा चंद हालतें होती है जो जमा या हुरफ रब्त आने की वजह से पैदा होती है। तादाद की वजह से इसमें की नोयत में जहल के मुताबिक तब्दीली होती है, जैसे कि यहाँ पर हम इसमें के साथ कोई हुरफ रब्त नहीं रखते हैं, यहाँ इसमें के साथ कोई हुरफ रब्त नहीं है। इसमें की कुछ कुछ चंद हालतें हुरफ रब्त आने की वजह से जो पैदा होती है। तादाद की वजह से इसमें की नोयत में इस तरह से तब्दीली होती है जैल के। पहला है कि जिन वाहिद मुजक्कर के आखिर में, उन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे आता है, जमा में अलिफ या हे मजहूल से बदल जाता है, जैसे कि लड़का, लड़के। परिंदा है अगर जिसमें हे के
क्या है यहाँ पर, हे आया है, अलिफ या फिर हे, जिसमें लड़का था अलिफ था, तो वो जमाए अलिफ या हे या ए मजहूल से बदल जा रहा है, तो परिंदे हो रहा है, मतलब बड़ी या जा रहे है, लड़का आया लड़की आई, परिंदा उड़ा परिंदे उड़े, ऐसे तो परिंदा और उड़ा और परिंदे उड़े, ऐसे जमा। पास वाहिद मुज़क्कर अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होता है, जमा या है, मजहूल से नहीं बदलते, जैसे कि राजा दाता रिश्तेदारों के नाम हो गए, अब्बा चचा दादा नाना, फारसी के इस्म के फायल हो गए, जैसे कि दाना बीना आशना शनासा, दीगर जुबानों के अल्फाज जैसे कि दरिया हुमा, ये ऐसे लफ्ज दरिया हुमा सहरा, जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा नहीं होती, उनकी वाहिद और जमा में एक ही सूरत होती है, जैसे कि भाई आया भाई आए, तो इसमें क्या हो रहा है, अलिफ या नहीं है भाई में, तो भाई ही रह रहा है, बैल आया बैल आए, घर बन गया घर बन गए, लड्डू खाया, तो इसमें अलिफ या हा नहीं है। जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में क्या है कि अलिफ नून, यानी कि अलिफ और नून गुन्ना होता है, उनकी जमा में वाहिद का अलिफ ये से बदल जाता है, जैसे कि धुआं से धुए, रवा से रोए, ऐसे। मोनिस अल्फाज की अगर बात करें तो उसकी जमा मुजक्कर से मुख्तलिफ तौर पर बनती है, जिन वाहिद मोनस अल्फाज के आखिर में या मतलब या मारूफ होती है, उनकी जमा के लिए या के बाद में अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देते, जैसे लड़की लड़कियां, घोड़ी घोड़िया, लड़की आई लड़कियां आई, घोड़ी दौड़ी घोड़िया दौड़ी, कुर्सी कुर्सियां, कुर्सी रखी कुर्सियां रखी हैं, ऐसे। साथ ही साथ देखिए, जिन वाहिद मोनस अल्फाज के आखिर में अलिफ आता है, तो जमा में उसके बाद ये मतलब हमजा छोटी है और नून बढ़ा देते हैं, जैसे कि घटा से घटाए हो जाती है, मामा से मामा है, सभा से सभा है, तमन्ना से तमन्ना है, हवा से हवा है, अदा से अदाई। और जिन वाहिद मोनस अल्फाज के आखिर में या छोटी और अलिफ हो, उनकी जमा में सिर्फ नूने वरना बढ़ाते, जैसे कि गुड़िया से गुड़िया, चिड़िया से चिड़िया। जिन वाहिद मोनस अल्फाज के आखिर में अलिफ छोटिया या इनमें से कोई भी हरफ नहीं होता, उनकी जमा के लिए आखिर में ये छोटी है और नूने वरना बढ़ा जाएगा, जैसे कि मालिन से मालिने, औरत से औरतें, किताब से किताबें, जोरों से जोरी और भो से भोए। उर्दू में भो का आखिर का नूने वरना सिर्फ आराब का काम देता है, वो कोई हुर्फ नहीं होता है, एराब का काम देता है भो में आखिर का नूने बनना। फिर हुर्फ रब्त के बारे में, जो प्रीपोजिशंस होते हैं ने का की के को पर से तक में, इसके आने के से अल्फाज जो होते हैं इस्म और फेल में होने वाली तब्दीलियां जो होती है उनके ताल्लुक से देखना। हुरूफ रब्त जो होते हैं जैसे कि प्रीपोजिशन, उसमें क्या आता है कि का की को पर से तक ये आते हैं, तो ऐसे अगर आ जाए अल्फाज तो इस्म और फेल में होने वाली तब्दीलियां कैसी होती है, जिन वाहिद मुजक्किर अल्फाज में अलिफ या हा होता है, तो वो हुरूफ रब्त यानी अलामत या फाइल या मकूली के आने से बदल जाता है। मिसाल लेते हैं उसकी कि मिसाल के तौर पर लड़के ने कहा पर्दे में बैठे हैं किले के अंदर दायरे का मुहित, तो इसमें क्या है का किले के और पर्दे में, तो ये क्या प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन बताते हैं हुरूफ़ रब्त जो जोड़ता है, तो लेकिन ज़ेल के अल्फाज इस कायदे से मुस्तशना है, कैसे, जैसे कि खालिस संस्कृत जैसे अल्फाज, जैसे कि राजा घटा सभा भाषा जटा चिता दादा माला, इस तरह से, मसलन राजा ने कहा सभा में बैठे हैं दादा की खैरियत, दाता की खैरियत, इस तरह, तो ये क्या हुरूफ़ रब्त के बारे में तब्दीलियाँ क्या आती है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले क्या देखे मैं वाहिद में अलिफ या जो आता है, हाँ ऐसा लड़का तो लड़की हो जाता है, पर्दा है उसमें क्या होता है, हाँ आता है तो पर्दे, तो ये किस तरह से तब्दीली हो जाती है वो देख रहे हैं इस्म और फेल में, और उसी तरह से राजा तो राजा ही रहेंगे इसमें जैसे भी आ रहा है सारा दाता माला, तो इसमें क्या सभा में बैठे है, सभे में बैठे ऐसे नहीं आएंगे, तो वैसी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अजीज और रिश्तेदारों के लिए अगर इस्तेमाल होने वाला इसमें आम कैसा होता है, जैसे चचा अब्बा दादा मामा खाला, जैसे अब्बा ने कहा खाला ने कहा दादा ने इनाम दिया। अरबी सह हरफी लफ्ज जैसे कि रिया जिया दुआ हया, ऐसे अल्फाज भी आते, जैसे दवा ने कुछ असर ना किया, हया से सर नीचे झुका लिया,
तो इसमें क्या है, अस से दवा ने, तो इसके साथ हो रहा है रब्त। इस तरह 3 से ज्यादा हरूफ वाले अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आता है, जैसे कि तमन्ना, इफ्पा, इंशा, इफ्तरा, ये सब। तो इब्तदा में ये काम बहुत मुश्किल था, ये बात मेरे मंशा के खिलाफ थी, तो उसके साथ में लगता है ये बताना चाह रही हूँ। लेकिन कुछ अरबी अल्फाज जो उर्दू में घुल मिल गए उससे मुस्तिशना है, जैसे कि तकाजा, दावा, इस्तीफा। उसके तकाजे से तंग आ गया, दावे में कई सबूत पेश किए, इस्तीफा में कोई वजह नहीं लिखी। ऐसा अस्माए खास और ओहदों के नाम, जैसे कि मुल्ला, खलीफा, राजा, आका, जैसे कि मुल्ला की मस्जिद तक दौड़, राजा ने, तो इसके साथ इस्तेमाल होता है। जोग्राफिया नाम जैसे आते हैं जिसके आखिर में अलिफ या होता है, हाँ, जैसे कि आगरा, तो ताजमहल आगरे में, ये आगरे हो जाता है, ताजमहल आगरे में। कलकत्ते की, कलकत्ता है तो कलकत्ते की आबादी। और फिर हम कहते हैं मक्का, मक्के में, मदीने में, कूफे में, ऐसा गोलकुंडे में, ऐसा जब उसके साथ अगर जुड़ता है तो। लेकिन खालिस संस्कृत नाम उससे मुस्तस्ना होगा, जैसे कि गंगा, जमुना, मथुरा, जमुना के किनारे वही रहना, इलाहाबाद में जो गंगा जमुना का संगम, ऐसे। दूसरी जुबान के जोग्राफिया नाम भी उससे मुस्तस्ना होंगे, जैसे कि बुखार, बर्मा, और अमेरिका, सना, सेना। उसके अलावा जिस इस्म के आखिर में अलिफ या हा नहीं होती, उसको कोई तब्दीली नहीं होती, जैसे कि शहर, लड़की, बिच्छू। जैसे लड़की ने से पूछा, माली ने कहा, बिच्छू ने डंक मारा, तो इसके आखिर में क्या अलिफ या हा नहीं है, तो तब्दील नहीं होंगे, वैसे ही रहना। धुआं, रवा में क्या होता है, जैसे कि अलिफ, जबर और नून गुन्ना, वे से बदल जाता है, जैसे कि धुआं से धुए हो जाता है, रवा से रवी हो जाती है। पांचवा से पांचवी, सातवा से सातवीं, सातवा नंबर तो सातवीं जमात, दसवा नंबर दसवीं, ऐसे। तो इसमें क्या फर्क आता है ये दिखा रहे, वो अलिफ या मजहूल से वो बदल जाते हैं। ऐसे अरबी अल्फाज जिनके आखिर में ऐन या फिर हाँ आता है, उसके बाद हरूफ रब्त आता है, तो ऐन के बाद या मजहूल पढ़ा देते हैं पढ़ने में। जैसे कि देखिए, मिसरा है तो मिसरे, किले से किले, दायरा से दायरे, दायरे नुमा। जमा की हालत में जब हरूफ रब्त के आने से होने वाली तब्दीलियाँ कैसी, ये ऊपर वाहिद था, लेकिन अब जमा में देखते हैं कि मुज़क्किर अस्मा की आवाज़ में अगर जमा आता है तो आखिर में वो हो जाता है और नूने गुन्ना, जैसे कि शहरों से शहरों, शहर शहरों, राजा राजाओं, माला मालियों, ऐसे। तो अलिफ या हा में बड़ी हो जाता है, और हरूफ रब्त के आने वाले जमा की या मजहूल को वो से बदल देते, जैसे लड़कों ने, पढ़दो, परिंदो, दायरों। जमा मोनस का अलिफ, नूने गुन्ना या फिर ये भी वो से बदल जाता है, जैसे लड़कियों ने, औरतों को, धोबनों, ऐसा। और जिन वाहिद मुजक्कर या मोनस के आखिर में वाव आ जाता है, तो हरूफ रब्त के आने से उनकी जमा दो सूरतों में एक ही होती है, जैसे कि उनके आखिर में मुंह बढ़ा देते, जैसे कि जोरू, जोरुओं, और आरजू, आरजू, ऐसा। दोनों की मिसालें, दाओ, दाओ। इसमें की हालतें देखते रहो, इसमें की हालतें कैसी होती, तो देखिए फाइली हालत होती है मफूली, निदाई, खबरी, इजाफी, जरफी और तूरी हालत। पहली हालत क्या होती है, इस हालत में मालूम होता है कि इसमें किसी काम का करने वाला है या वो किसी खास हालत में, मतलब करने वाला है या खास हालत में, ये देखा जाता है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे अहमद गया, लड़का बीमार हो गया, खास हालत है। राम ने आम खाया, तो काम करने वाला। तो पहली हालत इसमें क्या हो रहा है कि इसम करने वाला है या फिर कोई हालत में है, यानी कि बीमार हो गया, बोले तो अभी खास हालत है, और काम करने वाला है, आम खाया और अहमद गया, करने वाला है या कोई हालत में, वो दिखता है। इस हालत में इसमें के साथ कभी ने आता है और कभी ने नहीं आता, ऐसा भी होता है, जैसे कि राम ने, कभी ने आता है और कभी कभार नहीं आता, जैसे लड़का, लड़का ने बीमार हो गया, ऐसा नहीं है, लड़का बीमार हो गया, अहमद गया और राम ने आम खाया, ऐसा नहीं आता फिर राम आम खाया, ऐसा नहीं होगा। मफूली हालत देखते, अगर इस हालत में इस्म पर काम का असर वाक्य होता है, मैंने सांप मारा, यहाँ पर सांप क्या है, मफूली हालत, मतलब जिस पे काम हो रहा है, किसको मारा, तो सांप को। इसने अहमद को किताब दी, यहाँ अहमद और किताब दोनों मफूली हालत में। उसने, क्योंकि अहमद को किताब दी, क्या दिया और किसको दिया, दोनों मफूली में आ गए। मैंने राम से कहा, यहाँ पर राम मफूली हालत, मतलब जिस पर काम हो रहा है, उसके साथ कभी को और कभी से आता है, और कभी दोनों में हरूफ में से कोई नहीं आता। निदाई हालत, निदा कहते हैं बुलाने को, पुकारना।
ऐसी हालत जैसे मैं किसी का बुलाना चाह रहा हूँ, मतलब अहमद यहाँ आओ, लड़के ये क्या करता है, लड़के शोर ना करो, यहाँ पर लड़का से लड़की हो गए, यानी लड़का यानी कोई एक लड़का खड़ा था ऐसा कहेंगे, लेकिन उसको अगर आवाज देना है तो ये लड़के ऐसा कहेंगे, लड़के तो उसमें निदाई हालत होती है ये, यानी इसमों की हालत होती है। निदाई हालत के में अगर वाहिद इसमें के आखिर में अलिफ हो तो वो हाँ हो, तो याए मजहूल से बदल दिया थी, मतलब बढ़िए से। खबरी हालत इसमें जो बतौर खबर के आते हैं उसमें खबर की हालत कहते हैं, मिसाल के तौर पर वो बीमार है, अहमद इस शहर का हाकिम है, तो खबर दी जा रही है वो बीमार है, इन्हें एक इश्तला के तौर पर, तो बीमार और हाकिम दोनों में खबरी हालत है। इजाफी हालत मतलब इसमें की वो हालत जिसमें किसी एक इस्म को दूसरे इस्म से नस्बत दी जाती है, मतलब अहमद का घोड़ा, यहाँ घोड़ा मुजाफ है क्योंकि घोड़े का ताल्लुक अहमद से है और अहमद मुजाफ है, यानी अहमद का घोड़ा, इसकी किताब, उसका घर, जो भी रहेगा तो उसमें मजाफ और मजाफ अल, यानी कि घोड़ा मजाफ हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी कि ये उसका है तो मजाफ हो जाएगा, और जिसका है बताया जा रहा है तो मजाफ होंगे। हुरूफ अजाफत में वाहिद मुजक्कर में का जमा के और वाहिद भी जमा मोनस में की आता है, जैसे मिसाल के तौर पर वाहिद अहमद का घोड़ा, तो ये मुजक्कर था इसलिए, मोनस हो रहा बिल्ली कहते तो अहमद की बिल्ली, और जमा में अहमद की बिल्लियां और अहमद के घोड़े, तो के और इसमें की आती ऐसा बता रहे जमा में। ज़र्फ़ी हालत अगर देखते जब किसी जुमले में या किसी इसम का जमा यानी वक्त या मकान जगह पाया जाए तो ज़र्फ़ी हालत में होता है, मिसाल के तौर पे वो घर में है, वो सुबह से काम कर रहा है, वो शाम तक बैठा है, वो बाला खाने पर है, उसने मर्तबान में से अचार निकाला, वो सुबह आया, तो ये क्या हो गया ज़र्फ़ी, जुमले में किसी इस्म का जमा आ गया, जैसा कब आया तो सुबह आया, मकान जगह वो घर में है, तो ज़र्फ़ी हालत होता है। तो दो चीज़ें इसमें याद रखना होता है कि जमा एक तो वक्त या फिर मकान कहाँ पर है, ये शाम क्या हो गया वक्त, सुबह क्या हो गया वक्त, ये सुबह, ये सब क्या हो गया वक्त, तो ये जमा हो गया, और मकान देखते हैं घर बाला खाने मरतबा जगह, ऊपर के जुमले में खतकशीदा इसमें ज़र्फ़ी हालत में, ज़र्फ़ी हालत में इसमें के साथ रब्त में से तक पर में से ऊपर से नीचे तले अंदर अंदर से को आते हैं, बाज औकात कोई हर्फ नहीं आता, मसलन वो सुबह आया, कभी कभार उसके साथ क्या लगता है कि जैसे कि बाला खाने पर है मर्तबान में, लेकिन सुबह आया इसके अंदर कुछ भी नहीं लग रहा, प्रीपोजिशन, तो ऐसा भी होता है। तोरी हालत एक देखते हैं कि जब इसमें से तौर तरीके असलूब जरिया सबब और मुकाबला मालूम होता है तो इसमें की इस हालत को क्या कहते हैं तोरी हालत, उसने तलवार से मारा, ये लड़का उसका उस लड़के से छोटा है, उसे अपनी ताकत पर घमंड है, ये क्या हो जा रहा है कि तोरी हालत, तो ये हो जाएगा उसने तलवार से मारा, ये लड़का उस लड़के से छोटा है, उसे अपनी ताकत पर घमंड है। इस तरह अस्मा की तस्खीर और तकबीर की बात करते हैं, तो इसमें तस्खीर की बात करते हैं, तस्खीर के मायने होता है छोटा करने के लिए, बाज औकात में क्या होता है किसी कदर तस्गीर करते हैं या बाज हरूफ के इजाफे से अस्मा की तस्गीर बनाते हैं, मिसाल के तौर पर भाई से भैया, बहन से बहना, शीशे से शीशी, टोकरा से टोकरी कहते हैं, आंख से अंकड़ी, गट्ठे से गट्ठी, मुख से मुखड़ा, खाट से खटोला, सांप से सपोला या सिपोलिया, रुपया से रुपयोली, कानपुरी से कानपुरिया, तो इसमें तगैयुर यानी छोटा करना, या इजाफा करते हैं, इजाफे से अस्मा की तस्गीर बनाते हैं, जैसा भाई नहीं कहते मैं भैया कह दिए तो तस्गीर हो गई बता रही है, बहन से कह दिए बहना, शीशे से शीशी, तो इसको क्या करे छोटा करे, हालांकि छोटा होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन उसको जैसे नाम अगर बना देते हैं जैसे गट्ठा बोलने से बेहतर गठरी, तो उसको कहते इसमें तस्गीर। फारसी तरकीब क्या है, बाग से बगीचा, अब हालांकि बड़ा है लेकिन शॉर्ट हो गया बता रहे, तस्वीर बन, तो आपको ये आ सकता है कि इसमें से कौन सा, इसमें तस्वीर, मुझ से मुश्किजा, मर्द से मर्दक, लेकिन इसमें तकबीर क्या होता है बड़ा करने के, मखदूम से मकादीन, पगड़ी से पगड़, अब हालांकि देखिए छोटा हो गया उल्टा, पगड़ी से पगड़ हो गया, मखदूम से मकादीन तो समझ में आया, बाज से बतंगड़, तीर से शहतीर, ये शहतीर का आता है तकरीर, बाज से शहबाज, राह से शाहरा, कार से शाहकार,
पारसी तरकीब है ये वाली, शाहकार वाली। काम से महाकाज, राज से महाराज, संस्कृत यानी कि उसको क्या कर दे रहे, बात का बतंगड़ बनाना जैसे बोलते हैं, तो ज्यादा चीज है तो तकबीर में आ जा रहे। लेकिन ज्यादा बात मत करो, बतंगड़ मत हाँ, करो, बात मेरी का पतंगड़ मत सर लोग तकदीर में तो बात की जगह पे इस्तेमाल करके बतंगड़ मत करो, ऐसा मतलब राज है और तो वो महाराज है, बुरा बना। हाँ, सही वर्ड बोल और रहे। इसमें क्या था, जैसा मुश्क से मुश्कीजा, बाग से बगीचा। जैसा कोई कहते ना बाग, तो दिमाग में क्या आता है, बहुत बड़ा बाग। बगीचा कह दिया तो जैसा छोटा बगीचा ऐसा लगता है। मुश्क से मुश्किजा बन गया, मर से मर्दक ऐसा। तो वैसे ही बात से पतंगड़ बन गया, जैसे छोटे से बड़ा हो जाना, तीर से शहतीर, इस वे में है वो। राज से महाराज, जैसा कोई कहा है कि वो राजा है और वो महाराज है, तो संस्कृत की तरकीब है कि महा मतलब बड़ा ऐसा। अब देखते हैं जिन्स के तौर से, जिन्स से मुराद अस्मा की तस्कीर और तानिश होती है। हकीकत से दुनिया में जिन्स की सिर्फ दो किस्में होती है, मुजक्कर एक नर और मौनस मादा। तो अल्फाज में तस्कीर और तानिश कैसे पहचानेंगे, कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हाँ होता है तो वो मुजक्कर होंगे। मिसाल के तौर पे घोड़ा, लड़का, बंदा, ख्वाजा, खुदा, रास्ता। लेकिन अरबी के चंद मौनस अल्फाज है जो उर्दू जबान में राइज है, उनके आखिर में हाँ तानिश की होती है, जैसे कि वालिदा, मलिका, सुल्तान। अब इसी तरह वो यानी कि क्या कह रहे हैं कि जैसे कि ख्वाजा, खुदा, इसमें अलिफ या हा होता है आखिर में तो मुजक्कर होते हैं, लेकिन अरबी में क्या होता है कभी कभार तानिस में भी आता है, जैसे वालिदा, मलिका, सुल्तान। अब इसी तरह वो अल्फाज जिनके आखिर में या होता है मुनस होते हैं, मुअन्नस, जैसे कि चिड़िया, बुढ़िया, बंदरिया, चूहिया। लेकिन जिन अल्फाज के आखिर में या मारूफ होती है तो मुअन्नस होते हैं, जैसे कि घोड़ी, लड़की। या मारूफ में यानी कि छोटा या इसमें। लेकिन इससे पेशावरों के नाम मुस्तस्ना है, मिसाल के तौर पर माली, मोची, अगर ये कह दिया जाए तो फिर वो मौनस नहीं है, धोबी मतलब वो मौनस नहीं रहेगा, अच्छा तेली, घड़ी, पुजारी, रंगोली वगैरह, ये तमाम अल्फाज मुजक्कर है। जिसमें देखिए घड़ी भी बता रहे हो, घड़ी भी, हाँ घड़ी। इस तरह से क्या है कि वो अल्फाज जिनके आखिर में निस्बत की या वस्ती छोटी होती है, मिसाल के तौर पर पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, लालची, शास्त्री, पहाड़ी, ये भी तमाम मुजक्कर है बोल रहे हैं। ये पंजाबी जुबान, सिंधी जुबान, बंगाली, गुजराती, लालची भी, जैसे हाँ कि लालची आदमी, तो हाँ मतलब मुजक्कर में ही, लालची औरत भी वैसे लगाते हैं, लेकिन ये चीजें मुजक्कर है बता रहे हैं, वस्फी। इस तरह बाद अरबी के अल्फाज ऐसे जैसे कि काजी, मुंशी वगैरह, ये भी मुजक्कर है। अब मुजक्कर के आखिर में अलिफ या हा को याए मारूफ से बदल देते हैं, अगर याए मारूफ मतलब जो कर जो पढ़ा जाता है वो मौनस बन जाता है। मिसाल के तौर पे आखिरी अलिफ या हा को, जैसे कि लड़का है तो उसको लड़की बना दें, घोड़ा है तो घोड़ी, तो उसको क्या कह रहे हैं, याए मारूफ, यानी कि उसको खींचकर लंबा या जब पढ़ रहे, लड़का नहीं लड़की जब पढ़ रहे, घोड़ा नहीं घोड़ी, तो वो मौनस बन रहे। पेशावरों के आखिरी या को नून से बदल देने पर वो मौनस बन जाते, जैसे कि मोची से मोचन, धोबी से धोबन। अब जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा हो ना हो तो वहां पर जरा दुश्वारी आती है, इसके लिए राइज अल्फाज का मुताला करना होता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं अलिफ या हा दोनों भी नहीं आता, तो आपको क्या है कि आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ाते हैं जब आप, तो वो याद हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया बाद में आपको एक वो पूरा याद करने दे दिए चार्ट। जानदारों में तस्कीर और तानिश की दो सूरतें, मुजक्कर और मौनस के अलग अलग अल्फाज है, एक अल्फाज लफ्ज का दूसरे से कोई ताल्लुक बजाहिर नहीं आता जानदारों में। कभी कभार क्या होता है जैसे कि दोनों के अलग अलग, जैसे कि हेन है तो कॉक मुजक्कर, यानी कि हेन हेननेस ऐसा नहीं रहना, कॉक कॉकनेस इस तरह से नहीं रहना है। तो ये चीज क्या हो गई कि मतलब अलग अलग अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं उसमें, जैसा अलग अलग होते हैं। मुजक्कर के आखिरी हरूफ बदलते या आखिर में किसी हरूफ या हरूफ के इजाफे से मौनस लफ्ज बन जाता है। आप देखिए हर दो मुख्तलिफ कैसे है, जैसे कि मुजक्कर है बाप तो बापने नहीं हो गया, मौनस माँ, बाप शौहर बीवी, बैल गाय, इस तरह जैसा बैल अगर है तो गाय, बाप
बेटा बहू, मुजफ्फरनगर गुलाम बांधी मियाँ बीवी, मर्द औरत नवाब बेगम, कसूर खुश दामन और राजा रानी। कसूर का अगर अपोजिट पूछे तो देखिए खुश दामन। मुख्तलिफ अलामत के साथ अगर मुजक्कर के आखिरी अलिफ या हा मोहनस में याए मारूफ से कैसे बदलते? लड़का लड़की, भतीजा भतीजी, शहजादा शहजादी। ये तो मतलब आसान है बहुत, लंगड़ा लंगड़ी, मुर्गा मुर्गी, ये सब। आखिर में याए मारूफ के बढ़ा देने से क्या होगा? ब्राह्मण ब्राह्मणी, कबूतर कबूतरी, या याए मारूफ बढ़ा देना, हरन हरनी, तीतर तीतरी। लेकिन नून से बदल देने से क्या हो रहा है? मरासा मरासा, नाई नायन, दुल्हा दुल्हन, ऐसे देखे नून। कंजड़ा कंजड़न, जोगी जोगन, चौधरी माली मालन, धोबी धोबन, ऐसा नागन नागिन, हाजी हज्जन, हुज्जन बीबी कहते देखिए, हाजी साहब तो हुज्जन, इस तरह। अब कोई हज करके आ गया, आप उनको भी कह रहे हैं लेडीज को हाजी, हुज्जन भी, हाँ हज्जन भी, हाँ इस तरह। सपोलिया सपोलन, भूसी घोषण, इस तरह। भाई बहन, तो इसमें भी देखिए कॉमन में है, इतना किसी ने गौर नहीं किया होगा नून लगाने का। फिरंगी फिरंगन, इस तरह। भंगी का भंगन, तेली का तेलन हो जाएगा, ये क्योंकि अपोजिट अल्फाज में आ सकता है ये मोहम्मद सिंह। तंबोली तंबोलन, इस तरह से। पारसी का पारसन है, पुजारी का पुजारन है, चौधरी चौधराएं, हाँ अच्छा चौधराइन बनी घूम रही हो, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं। गवाले का गवालन है, चमार का चमारन है, तंबोली लगाते लोग तो तंबोलन क्यों नहीं लगाते? सब तंबोली सदने में आ गए तो तंबोली लगाओ। आखिरी हरूफ को हजफ करके या बिला हजफ, नी या अनी के इस्तेमाल से क्या होता है? शेर शेरनी, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, मुल्ला मुल्लानी, मुल्ला का देखिए मुल्लानी भी है, फकीर का फकीर नहीं। एक फकीर औरत थी, हाँ उस्ताद का उस्तादनी या उस्तानी होता है, पाकिस्तान उस्तानी, ऊँट ऊँटनी। राय राय, भूत का भूतनी, देखिए जेठ जेठानी, मोर मोरनी, हाथी का हथनी है, मुगल का लेकिन मुगलानी, पंडित का फिर पंडितानी भी है, महतर का महतरानी। महतर से अगर महत निकाल लिए तो वो भी रानी हो रहा वही है। बाज औकात आखिरी हरूफ में तब्दीली के बाद या बगैर तब्दीली के, जब या बढ़ा देते हैं तो उससे मोहनस बनता है। अब देखिए कुत्ता से कुतिया हो गया या बढ़ा देने से तब्दीली के बगैर, चूहा से चोहिया, बंदर से बंदरिया। दीगर जुबानों के मुजक्कर मोहनस कैसे है? बेग से बेगम, खान से खानम, मुल्क से मलिका, मलिक मलिका, ये हाँ बढ़ा देने से, या खान खाना, डायरेक्ट डायरेक्ट मुजक्कर मोहनस। बाज औकात क्या होता है, इसमें खास से भी मोहनस बनाए जाते हैं, जैसे कि रहीम से रहीमन हो जाते हैं, अमीर से अमीरन, नसीब से नसीबन, नूर से नूरी नूरन, करीम से करीमन, मुराद से मुरादन, ऐसा इमामी से इमामन। कुछ इसमें खास से मोहनस बनाई है, हाँ ये आ सकता है। कल नहीं को कभी उन्होंने टफनेस लेवल बढ़ा दिए कुछ किए तो फिर ये जब या काम में आ सकता है। बाज औकात अस्माए खास में हुरूफ वाव के मजहूल मारूफ होने से भी मोहनस का फर्क जाहिर होता है। वाव मारूफ क्या है? जब खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे कि पुजो पजो, कुलू कुलो, रामू और रामू, ऐसे थोड़ा सा सिर्फ बगैर वावे मजहूल। मतलब ये हो रहा है कि मुजक्कर और मोहनस में सिर्फ इसका फर्क आ रहा है कि पेश उल्टे का। बदलो बदलो, ऐसा कुछ। आमतौर पर मोहनस मुजक्कर से मिलता है, लेकिन मुजक्कर मोहनस से भी बनते हैं, जैसे भैंस से भैंसा, भैंस हालांकि मुजक्कर है, ऐसा लगता है कि भैंस मतलब फीमेल, तो लेकिन वो कह रहे हैं मुजक्कर है और भैंसा बनता है मोहनस। बिल्ली से बिलाव, सास ससुरा, तो ये कैसे हो जाएगा? ये शायद उन्होंने उल्टा कर दिया, अच्छा ये यहाँ पर मोहनस होना चाहिए था, नहीं तो कल को आप मुजक्कर में सास कह देते तो ससुरे को जाकर, और सस, हाँ तो ये उल्टे उल्टे करे उन्होंने, तो ये भैंस
मोनस है, और ऐसा भैंसा जो है तो मुजक्कर, दिल्ली मोनस से और मुजक्कर बिलाल। हाँ, ससुरा सास मोनस ससुरा, ये तो इन्होंने टेस्ट यहीं पर ले लिए, ऐसी बात है। फिर क्या मोनस में ये तो नहीं उल्टा हुआ है, पलू से पलू रामू से रामू, ये तो इतना नहीं समझ में आया है, क्योंकि उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली। मोनस वाले ये समझा है, लेकिन इसमें मतलब नहीं समझ में आ रहा हाँ डायरेक्टली, तो इसको अभी छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ मुजक्कर अल्फाज जिनके मोनस नहीं है, कौवा, अजदा, तेंदुआ, बाज, उल्लू, चीता, खरगोश। तो खरगोश नी नहीं है बोल रहे हैं, और कुछ मोनस ऐसे जिनके मुजक्कर नहीं है, चील, बतख, मैना, बुलबुल, फाफता, लोमड़ी, मछली। लोमड़ा नहीं मिलेगा, मतलब मछला नहीं मिलेगा, बुलबुला नहीं मिलेगा, भांड वगैरह इस तरह से जो है, तो ये मोनस। मैना है, मैना का मुजक्कर हाँ उस तरह। फिर चुड़ैल, बेवा, सौत, सुहागन, डायन, इनके भी मोनस मतलब नहीं है, डायन सिर्फ मोनस है, ये मुजक्कर नहीं है इनके, चुड़ैला नहीं होता मतलब। अभी जो है हाँ मुजक्कर। बराबर। झींगर कछुए का नहीं है बोल रहे, मुजक्कर, मोनस इनके नहीं है, मतलब झिंगरी और कछुई नहीं है। मक्खी, छिपकली, तो छिपकला दे ऐसा डायरेक्ट नहीं आता, छिपकला, छिपकली बोलते सब, मोनस नहीं। छुछुंदर कहते तो ये मोनस, लेकिन छुछुंदर आया ऐसा नहीं कहते। नरगौ भेड़, भेड़ बकरी, नरगौर। उसी तरह से डिब्बा, गड़ा, हुक्का, पेशा, तो पेशी नहीं है कि अगर जेंट्स के लिए पेशा है तो लेडीज के लिए पेशी। हाँ हफ्ता है तो हफ्ती नहीं। हाँ अच्छा बराबर। डिबिया, डलिया और ठेलिया है अगर, तो डिबिया का तो वैसे डब्बा होता है, डब्बा तो होता है वैसा, डलिया का तो डल्ला होता है, ठेलिया का तो ठेला हो सकता है, इसको छोड़ देंगे। अदा, खजा, हया, रजा, खता जो है, तो खती, अदी, अजी ऐसा नहीं होगा, उखबा का ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे चीजें, घी, मोती, पानी, दही, तो घी का क्या बनेगा अगर मुजक्कर बनता, घा, मोती का मोता, पानी का पाना, दही का दाम, लकड़ी, कोठी, ताली, कुंजी, तुलसी, ऐसे जो देखते हैं, तो तुलसा, लकड़ी, पानी पानी, नहीं मैंने पानी पिया, पानी आया तो मुजक्कर हो, मतलब बोलकर देखना है, कभी किसी ने कहा है कि पानी आई है, नहीं नहीं हाँ पानी पी हूं, मतलब वो खुद बोल रहा है, लेकिन पानी आया बोलते कि पानी आई। आया हाँ तो आया तो मुजक्कर है, बारिश बारिश आई भी बोलते आई तो वो मोनस, तो वो जो डायरेक्टली लोगों ने बना दी हुई थी, जिसके पत्थर, पत्थर फेंका बोलते हैं कि पत्थर फेंक, हैं हाँ तो वो मुजक्कर है, कुछ कुछ चीजों में डायरेक्ट होते हैं, तो ये चीजें वो उसकी मिसाल बता रहे हैं। अब ये इतना तो डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, जैसे लड़कपन, तब लड़कपन, लड़कीपन, ऐसा कुछ नहीं आता इस तरह से, बच्चपन, बच्चीपन बच्ची पर नहीं आ रहा नहीं आता। हाँ ऐसा, मीठा खटा क्या हाँ मिठासा, खटासा ऐसा नहीं आता, प्यासा तो आता है लेकिन, लेकिन वो चीज अलग हो जाएंगी। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही भेज देंगे वापिस। अरबी के अल्फाज और वाहिद जमा कैसे, नक्श नकुश, बहर बहुत, हाँ खोखो, नक्श नकुश, ये क्योंकि ये जो हार्ड वाले वो देख लेना, क्योंकि जमा और अल्फाज जमा के आते हैं, वाहिद जमा के। इल्म उलूम, खत खतुत, मलिक मुलुक, वजा वजू, रकम रुखुम, रस्म रसूम, कौम अकवाम, शेर अशार, मलिक इमलाक, हुक्म अहकाम, राय आरा, एग्जाम राय का देखिए क्या है, आरा है। हाँ आया है 2013 में कंफ्यूज हुक्म और अहकाम आए भाई हो 2013 हाकिमों गई ऐसा, एग्जाम असर का क्या है, आसार, और देखिए राय का समझ में नहीं आएगा, लेकिन आरा की याद रखें, असर का आसार या असरार, सिर का असरार, खुल्क का अखलाक, खुल्क का भी कभी आ गया सपोज तो अखलाक, अव्वल का अवायल, ये आया था इससे पहले कुछ, अव्वल अवायल, अकबर का अकाबिर, अकाबिर उन्होंने कहा बड़ों ने, हाँ
दवा का अदविया है, अमल का अमल, हाल का अहवाल, रुकन का अरकान, जुजू अज्जा, वस्फ औसाफ, शख्स अशखास, जिन्स अजनास है, फर्द अफराद, मौत अमवाद, शक्ल अशकाल, खबर अखबार, शजर अजदार, मसला मसाइल, और शायर शोरा, हकीम हुक्मा, गरीब गुरबा, आलिम उलमा, फर्ज फराइज शराइत का शर्त है, आला का आला, तफसील का तफासिल है, अच्छा तफसीलात नहीं अगर दिखा तो तफासिल, मुसीबत मसायब, मसायब आता है भी, मुसीबतों नहीं रहेगा तो, मंदिर मनादिर, मस्जिद मसाजिद, मुल्क ममालिक, कल खलाय, इनायत इनायात, हबीब अहबाब, मुखर मकाबिर, मुकाम मकामात, नुक्स नुकाइस, सहाबी सहाबा, दौलत का दूल है, उसी तरह से आदत का आदत, वकील का वकला, मेहनत का महन अच्छा है, मकतूब का मकतूबा, तस्वीर तस्वीर, नादिर नवादिर, कमाल का कमालत है, लाजिम का लवाजिम, हकीकत का हकायक, इंतखाब का इंतखाबात, मजमून मजामिन, खतरा खतरा, मकतब मकातिब है, जौहर जवाहिर है, जमाना अजमिना, हादसा हवादिस, हादसा, तसवुर तसवुरा, दफ्तर दफातिर है, वक्त का औकात, दायर का दवायर, शिरियान शराइन है, बैत बुयुत, शरारा शरर, वजन औजान, तफसीर तफासिर, रुयत रियाया, किस्म अकसाम, शरीक शुरका, रफीक रुका, सैयद का सादात है, जैसे सादत मस्जिद तो सैयद से सादत हो, अच्छा सफर असफर, हासिल से हासिलात, शोभा शोभा जान, ऐसे ये पूरे हैं जिसको हम क्या करेंगे कि अगले उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट अल्फाज जमा और मुतजाद इसका देखेंगे।